सवाल स्क्रीन्स पे। प्रियांशी जी हाय, गुड आफ्टरनून मैम। क्या करते हो प्रियांशी मैम आप औरंगाबाद में? ओ सॉरी मुरादाबाद में। सर मैं अभी स्कॉलर्स सेल में एक एग्जामिनेशन हेड की पोस्ट पे वर्क कर रही हूँ। कहाँ पे? सर एक इंस्टीट्यूट है एजुकेशन रिलेटेड, ओके दैट इज स्कॉलर्स सेल, तो उसी में मैं वर्क कर रही हूँ अभी। अरे वाह। और ऑफिस में भी और घर आके भी स्टॉक मार्केट में एंगेज रहते हो आप, ऐसा है क्या? बिल्कुल सर, एक्चुअली मेरे हस्बैंड काफी टाइम से जुड़े हुए हैं यहाँ पर, मतलब जैसे स्टॉक मार्केट से, तो फॉर दैट रीजन मैंने भी कोविड के पहले ही शुरू किया था, कोविड टाइम पे शुरू किया था। सो कोविड टाइम पे थोड़ा ये था कि वर्क फ्रॉम होम चल रहा था तो टाइम था, तो सोचा कि इन्वेस्टमेंट करते हैं। सो स्टॉक मार्केट सबसे एक अच्छी चीज लगी, तो फॉर दैट रीजन मैं स्टॉक मार्केट में तब आई। सो अभी भी स्टॉक्स जो है मैं अपने हस्बैंड से नो रिकमेंड करके और फिर उनसे बात करके ही लेती हूँ, एंड सबसे पहले आपका चैनल देख के लेती हूँ। सुबह से आपका चैनल हमारे यहाँ स्टार्ट हो जाता है। ये अच्छी बात है। अच्छा प्रियांशी मैम, पहला सवाल कौन सा? तो मेरा पहला सवाल ये है, मैं इंटर जैसे स्विंग मार्केटिंग भी करती हूँ और स्विंग ट्रेडिंग भी करती हूँ और मैं लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग भी करती हूँ। सो अभी MRPL मैंने स्विंग ट्रेडिंग पे लिया हुआ था, उससे मेरा काफी फायदा हुआ, बट अभी फिलहाल मेरे पास होल्डिंग्स भी है। सो फॉर दैट रीजन आई वॉन्टेड टू आस्क कि मेरे पास अभी 640 शेयर्स है 248 के प्राइस पे। सो 3 months का मुझे पूछना था आपसे कि 3 months का कैसा रहेगा इसका शॉर्ट टर्म पीरियड। नहीं तो MRPL में आपने स्विंग ट्रेडिंग करी इस होप में कि तेजी तूल पकड़ेगी, तो जी कुछ होल्ड कर लिए, कुछ बुक प्रॉफिट बुक कर लिए, ऐसा है? यस यस यस। अच्छा तो बचे हुए स्टॉक्स में 5 रुपए का गेन हो रहा है, तो अब वो स्विंग वाला फंडा ठंडा पड़ गया है तो अपन फंडामेंटल्स पे लौटा है, ऐसा है क्या? कह सकते हैं सर थोड़ा सा इस चीज को भी। नहीं तो मूव तो अच्छे आए थे, लो लेवल से अच्छी रिकवरी, मेरे ख्याल से 200 सब 200 के लेवल से बहुत अच्छा मूव दिखाया है MRPL ने भाई। स्टॉक है राजेश सर, गुड आफ्टरनून एक बार फिर से। ये MRPL कैसा है भाई? प्रियांशी मैम भी खरीद से 5-1 रुपए ऊपर ही चल रहा है। गुड आफ्टरनून आशीष जी, बाकी भी जो महिला मित्रगण हैं सबको नमस्कार। जहां तक MRPL की बात है, एक अच्छा स्टॉक है। तीसरी तिमाही के नीति भी अच्छे आई थी, $5 के आसपास का GRM आया था, करीब 100 रिटेल आउटलेट इन्होंने खोल लिए हैं साउथर्न इंडिया में, और भी कई रिटेल आउटलेट्स खोलने की बात कर रहे हैं, तो सारे पैटर्न पे खरी है। चौथी तिमाही के नतीजे भी आए नहीं, और चूंकि इनका नजरिया बहुत छोटा 2-3 महीने का ही है, तो मैं कहूंगा इन्हें 228 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 270 रुपए के टारगेट के साथ। बट अगर थोड़ा लंबा नजरिया रखें तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक 280-290 या इवन 300 तक जाता है आने वाले 1 साल में। तो चूंकि इनका 3 महीने का नजरिया है तो ये स्टॉप लॉस थोड़ा मेंटेन करें और 270 के आसपास मुनाफा वसूल करें। ना तो पैसा कमाने से मतलब है, आपको साल भर रुक के 300 का भाव मिल रहा है तो क्या दिक्कत है ना प्रियांशी मैम? बिल्कुल सर, तो आपकी मर्जी। वैसे 3 महीने के लिए लगाना है तो 226 पे स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करिएगा, लेकिन लग रहा है फंडामेंटली ये स्टॉक 12 महीने में 300 तक की कर रहा है तैयारी। अच्छा ट्रेड है आपका, होल्ड करिए फॉर द टाइम बीइंग। रायपुर से रंजिता कनौजिया जी स्क्रीन पे। रंजिता मैम गुड, रंजिता मैम को फुल फॉर्म में मत डालना क्योंकि इनका पर्दा और मेरे कपड़े सेम सेम लग रहे हैं। रंजिता मैम गुड आफ्टरनून, क्या करते हो आप रायपुर में और कब से स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हो? ये जानवी डायरेक्टर साहब ऐसा कर रहे हो ना मेरे साथ? सर ये बुटीक है मेरा एक, है ना? अरे वाह, बुटीक हो ना। आपके पर्दे का कॉम्बो है ना, काफी तक मेरे सूट के कॉम्बो से मैच हो रहा है, इसीलिए मैं बोल रहा था मत दिखाओ इनको फुल फ्रेम में। खैर रंजिता मैम कब से स्टॉक मार्केट से जुड़े हो आप? सर स्टॉक मार्केट से तो इसी साल से जुड़ी हूँ, और बाकी म्यूचुअल फंड वगैरह में 3-4 साल से कर रही हूँ इन्वेस्टमेंट। रंजिता मैम पहला सवाल कौन सा? सर मेरे पास हिंदुस्तान कॉपर के 141 शेयर है एट द रेट ऑफ 277 बहुत बढ़िया है। और क्या मूव्स,
गजब के हिंदुस्तान पूरे मिडिल एज अ स्पेस बहुत सही समय पे पकड़ा आपने राजेश सर, ये मोमेंटम कितना और तूल पकड़ेगा, कब मुनाफा बांधना है, हमें कैसे अप्रोच करना है? रंजिता मैम को 100-125 रुपए पर स्टॉक का गेन तो बहुत बढ़िया हो रहा है। देखिए बहुत महीनों या बहुत सालों के बाद हिंदुस्तान कॉपर ने ऐसा मूव किया बावजूद इसके के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग थे, जो कॉपर की डिमांड है वो कंस्ट्रक्शन के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, सरकारी कैपेक्स के कारण से बढ़ती हुई नजर आ रही है, और कॉपर स्मेल्टर भी इनके बड़े हैं, कैपेक्स अच्छा कर रहे हैं, और एलईडी में भी अगर प्राइसेस देखेंगे तो इस वक्त तेजी में है। मैं समझता हूँ इस वक्त इन्हें बने रहने चाहिए, 430-440 तक जब आता है तो वहां पर पार्शल प्रॉफिट बुक कर ले और पार्शली में ये बनी रहे, तो 430-440 का पहला टारगेट है, वहां पे इन्हें पार्शल प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी। एक सवाल घूम रहा है रंजिता मैम, ये बुटीक में कपड़े आप खुद ही बना के रखते हो या कहीं से सोर्स करके ला के बेचते हो? मैन्युफैक्चरर है मेरे, तो उनके पास से मैं सप्लाई रहता है मेरे। और कैसा बाजार है रायपुर का? बहुत बढ़िया बाजार है क्या? बहुत बढ़िया बाजार है सर, मतलब अच्छा है। राजेश सर चलेंगे फिर अपन? मैं तो पोस्ट रिटायरमेंट बात कर रहा था, बाजार अच्छा है तो। नहीं नहीं मैं तो बिलासपुर का ही हूँ, तो मैं रायपुर का आता ही। अरे वाह, यस। अच्छा लौटता हूँ आप लोगों के पास, मैं दिल्ली जा रहा हूँ पहले रेणु जैन मैम के पास। रेणु मैम गुड आफ्टरनून। रेणु मैम गुड आफ्टरनून सर। रेणु मैम क्या करते हो आप दिल्ली में, कब से शेयर बाजार से जुड़े हो? सर मैं बैंक से रिटायर हुई हूँ, 2 ईयर से शेयर बाजार से जुड़ी हूँ। अरे वाह, तो रिटायरमेंट के लिए, एंगेजमेंट के लिए बेस्ट टाइम था, बेस्ट तरीका था शेयर बाजार। तो बैंक में तो मेरे पहले से करते थे थोड़ा बहुत, फिर मैंने ट्रेडिंग शुरू कर दिया। और इतने सालों तक बैंक में तो बहुत समझ तो रही होगी शेयर बाजार की। तब सब कम होती थी सर, अब CNBC आपका देख देख के, और आपके मैं बहुत फैन हूँ, आप बहुत अच्छे से बात करते हैं। मैंने कहा कि आशीष सर, मैं डेली देखती हूँ प्रोग्राम। अरे थैंक यू सो मच, पर मुझे पता है आप राजेश सर को देखने के लिए आते हो, लेकिन हफ्ते में एक ही बार मिलते हैं आपको, है ना? रेनु मैम पहला सवाल कौन सा मेरा है सर? मेरे पास 500 शेयर्स हैं बेल के, BEL, एट द रेट ऑफ 182 एवरेजिंग, तो इसका क्या करना चाहिए मेरे को? हमने क्यों लिया था? हमने लॉन्ग टर्म के लिहाज से पोर्टफोलियो में रख लिया था। नहीं 6 मंथ, तो वैसे लॉन्ग टर्म भी आई कैन गो ऑन। हमारी भाव खरीद का क्या है मैम? 182 एवरेज। 180 पकड़ लिया, 236 पे चल रहा है। अरे सर लंबी अवधि के लिए मैं बताऊं, कई लोग अभी भी CNBC आवाज पे पिक्स दे रहे हैं, बजट रिलेटेड, इलेक्शन रिलेटेड, BEL का नाम रह रहे के शुमार हो रहा है। अरे सर कैसी कंपनी है भाई BEL, 180 खरीद है। रेनु मैम यहाँ से रखती है लंबी अवधि के लिए तो और कमाई होगी या नहीं होगी? देखिए बेल डिफेंस रिलेटेड कंपनी है, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, इन सारी जो कामयाब है इनका फायदा इन्हें मिला है, और ऑर्डर बुक बहुत अच्छी है, और ये माना जा रहा है कि आने वाली सरकार भी मौजूदा सरकार ही रहेगी, तो पॉलिसीज कंटिन्यू होती हुई नजर आ रही है, इस वक्त इन्हें बने रहने की सलाह रहेगी। ऊपर में हमारे टारगेट इसमें 260 रुपए के हैं, वहां तक आ जाए तो मुनाफा शुरू कर दीजिए। 260 के समय टारगेट है। प्रियांशी मैम अगला सवाल। तो अगला सवाल मेरा मफांग को रिलेटेड है। सो मैंने मफांग 51.23 रुपीस से पहले खरीदा था, मेरे पास 3000 शेयर्स हैं उसके अभी। मफांग मतलब मेरा ही एसेट का जो फंड है ना? जी जी जी। राइट सर ट्रैक करते हो मेरा ही का, बेसिकली फैंग स्टॉक्स का, और मेरे ख्याल से टोटल रिटर्न इंडेक्स वाला है ये। देखिए ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, हाँ। जो कि 10 कंपनियों में 9 कंपनी और एक इंडेक्स में निवेश करता है, जिसमें से 7 कंपनी तो अल्ट्रा ग्रोथ वाली है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, इनविडिया, टेस्ला, ये सब हैं। अब चक्कर ये है कि इसमें एनएवी से ये इस वक्त जो 97-98 रुपए के भाव है वो करीब करीब 17-18% प्रीमियम पे है। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है कि एनएवी से प्रीमियम पे कोई स्टॉक ETF ट्रेड कर रहा हो। कहने का दरबदार ये है कि जब तक आपके 17-18% जो अंडरलाइन सिक्योरिटीज है उसमें बढ़ेंगे, तब तक तो ये एनएवी के बराबर बराबर आएगा। तो इस वक्त ये बहुत महंगे भाव में ट्रेड कर रहा है, क्योंकि डिमांड सप्लाई मिसमैच है, लोगों को ऐसा लग रहा है कि फॉरेन की जो बड़ी कंपनियां हैं इन्हें राइड करने का ये एक उचित जरिया है। उचित जरिया बिल्कुल है, लेकिन वैल्यूएशन बहुत हाई है। मेरे हिसाब से तो इन्हें इस वक्त थोड़ा मुनाफा वसूल कर लेना चाहिए,
और उसके बाद अगर करेक्ट होता है तो दोबारा री एंटर कर सकती है। या इसी का ये म्यूचुअल फंड रूट से सेम कंपनी सेम म्यूचुअल फंड एएमसी का 20-22 रुपया में एनएवी पे है, वहां पर आप स्विच कर ले। ये ठीक है म्यूचुअल फंड रूट से। हाँ पर मफांग बहुत जलवे थे इसके बीच में, खैर अभी स्ट्रेच हो गया होगा बात अलग है, पर बहुत अच्छा आइडिया था डाइवर्सिफाई करने का, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन का और दुनिया की कुछ लीडिंग कंपनीज में इन्वेस्ट करने का। ये आइडिया किसने दिया था आपको प्रियंका जी, प्रियांशी जी? सर अगेन माय हस्बैंड, ऑल क्रेडिट गोज टू हिम एंड सीएनबीसी। हमने सीएनबीसी तो बिना बात के बीच में घुसा दिया आपने, ठीक है। नहीं नहीं सर आप मानेंगे नहीं, देख रहा है हस्बैंड भी देख रहे हैं क्या शो इस समय? सब वो रोज देखते हैं, मॉर्निंग से देखते हैं। हाँ तो फिर दोनों देख रहे हैं इसलिए बोलना ही पड़ा आपको, ठीक है दोनों को क्रेडिट मिलता है। बहुत कम लोग उसे हस्बैंड को क्रेडिट देते हैं। अभी शो देख रहे हैं ना। जब प्रिया रंजिता मैम अगला सवाल। सर मेरे पास पीसीबीएल के 45 शेयर है। पीसीबीएल फिलिप्स कार्बन ब्लैक है ना? हाँ 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 पता है, सॉरी हाँ ₹291। हाँ, तो सर ये जब से ली हूँ मतलब लॉस ही लॉस दिख रहा है, तो क्या करना है, इसको होल्ड करना है? हाँ वैसे लेकिन अभी लार्जली कंसोलिडेशन टाइप है, दायरा बंद है। राजेश सर पीसीबीएल इसने बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग एक्विजिशंस वगैरह करे थे, उसके बाद लग रहा था गेम स्टॉक चला भी था उसके बाद। कैसा लग रहा है पीसीबीएल इस समय 270 पे? मेरी खरीद 290 प्लस की है। सर हमें बहुत शानदार लग रहा है, कार्बन ब्लैक बनाने की कंपनी न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी इनका कारोबार फैला हुआ है। जिस तरीके के ऑटो की डिमांड बढ़ी हुई है, जाहिर सी बात है कार्बन ब्लैक की भी बढ़ेगी क्योंकि टायर में खपत होती है। दूसरे इन्होंने जो एक्सपेंशन वगैरह किए हैं उसके भी नंबर्स आने लगेंगे। ये आपने सही कहा कि बहुत अच्छा रनअप के बाद थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है और ये मौका दे रहा है लंबी अवधि के निवेशकों को फर्दर निवेश करने के लिए। हमारे हिसाब से इसमें बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए और जिनके पास है वो बने रहे। अच्छा राजेश सर अगर आपके जहन में कोई बढ़िया सा स्टॉक आइडिया और लंबी अवधि के लिए आज से तो मैं आऊंगा। अभी आजकल वो SBS स्टॉक पिक्स हमने शुरू करा, आप कुछ सोच के रखना, अगर हो ना हो तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। रेनू मैम अगला सवाल। सर मेरे पास NBCC के 1000 शेयर है एट द रेट ऑफ एवरेज 89 रुपीज। अरे वाह NBCC दोनों में बढ़िया कमाई हो रही है रेणु मैम। बैंक से आपने कमाया बढ़िया, रिटायर हुए और अब स्टॉक मार्केट से भी आप लपक छाप रहे हो। लॉस वाले भी है सर। अच्छा तो लॉस वाले उठाने थे राजेश सर से, अपन दुख दर्द वाले ज्यादा अच्छे होते हैं सवाल पूछ देना। अदानी बिल्मर है। नहीं अभी NBCC पूछ लेता हूं, अभी तो टाइम खत्म हो रहा है। 88-89 की खरीद राजेश सर, NBCC 51 रुपए पे चल रहा है, क्या करें रेणु मैम? देखिए सरकारी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, ऑलमोस्ट डेट फ्री है, अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, खास करके सरकारी प्रोजेक्ट्स मिलने में इन्हें प्राथमिकता रहती है क्योंकि सरकारी कंपनी है और पीएमसी से करीब करीब 93% का रेवेन्यू आता है। ऑर्डर बुक बहुत अच्छी है, बने रहने की सलाह रहेगी। 150-160 के आसपास इन्हें आधे में मुनाफा वसूल कर लेना चाहिए और बाकी में बने रहें। बैंक रिजल्ट्स आए थोड़े से ठंडे से दिख रहे हैं मुझे तो, 2190 का एस्टिमेटेड NII 2195 पे आया, मुनाफा एक्सपेक्टेशन थोड़ा ठंडा, ये दो हेडलाइन नंबर्स इस समय आए, नंबर्स ठंडे हैं, फेडरल बैंक ठंडा ही पड़ रहा है। खैर राजेश सर, डायरेक्टर साहब जरा SBS स्टॉक पिक्स दिखाइए, और राजेश सर आज का प्रिफर्ड आइडिया कौन सा? आज का प्रिफर्ड आइडिया थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए अगर हो तो मैं समझता हूँ जियो फाइनेंशियल के साथ रहना चाहिए, उसमें खरीदारी करें। पिछले 2-3 दिन से थोड़ी नरमी में आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है खरीदारी करने के लिए। नंबर्स अच्छे आए थे और अभी तो फिलहाल इनकी ऑपरेशंस फुल्ली चालू नहीं हुई है, बड़े नाम इसके साथ जुड़े हुए हैं, ब्लैक रॉक के साथ इन्होंने करार किया है पहले म्यूचुअल फंड के लिए और वेल्थ मैनेजमेंट के लिए और ब्रोकिंग के लिए। जिस तरीके का डेटाबेस इनके पास रिटेल और जियो की वजह से, उससे ऐसा लगता है कि रिटेल में बहुत अच्छी पकड़ ये बना लेंगे। दूसरे अगर आप देखें तो इंश्योरेंस वगैरह में भी जाने की बातें कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में ये बहुत शानदार रिटर्न दे सकता है। हालांकि लिस्टिंग के दिन से ही प्राय हम इसे लगातार रिकमेंड करते आ रहे हैं, उस समय 200-225 रुपया हुआ करता था, वहां से तो अच्छी बढ़त दिखा चुका है, लेकिन आगे वाले दिनों के लिए भी हम बहुत बुलिश हैं और इसमें खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। भाई जियो फाइनेंशियल्स की क्योंकि चर्चा होगी तो एक बात ध्यान रखिएगा, जो प्लेटफॉर्म है CNBC आवाज, इसके प्रमोटर्स और जो फाइनेंशियल्स के प्रमोटर्स सेम है, तो एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट जरूर करिएगा।
इस नोट पर रेणु मैम, रंजिता मैम, प्रियांशी मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए. राजेश सर, हमेशा की तरह ब्यूटीफुली सारी क्वेरीज सॉल्व करने के लिए आपका धन्यवाद. ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट चेक. स्वागत है.